बात करें चने की, तो चने का अक्टूबर वादा देख रहे हैं कि 5230 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, मामूली सी करेक्शन है। हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि चने की जो कीमतें हैं वो 5200 के घरों में कारोबार करती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल सबसे पहले तो सरकार ने दालों की कीमतों पर, दालों के स्टॉक पर एक स्टॉक लिमिट लगा दी, उसके बाद फिर आयात का फैसला ले लिया, उसके बाद फिर सेबी का चने के ऊपर फैसला ले आया है कि जब तक सेबी का आदेश नहीं आ जाता तो चने के और कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च नहीं होंगे। जो चने के जो चालू कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं में ही कुछ प्रतिबंधी के प्रतिबंधित कुछ नियमों के साथ ही ट्रेड किया जाएगा। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चने की ऊपर एक प्रेशर बनता हुआ नज़र आया है। और दूसरा, अब जो मानसून अच्छा देखने को मिला है तो जानकारों ने अब ऐसा अनुमान लगाया है कि जो अगला सीज़न होगा दालों का, बुआई का, वो उसमें जो दालों की बुआई होगी वो अच्छी देखने को मिल सकती है इस साल के मुकाबले, जिसकी वजह से दालों के बाज़ार पर प्रेशर बनता हुआ नज़र आएगा और उसका दबाव चने की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसी की वजह से हम हाल फिलहाल में अभी चने की जो कीमतें हैं उन पर एक दबाव बनता हुआ देख रहे हैं, सीमित दायरे में कारोबार देख रहे हैं। हालांकि 2020-21 में चने के उत्पादन का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो लगभग 119.9 लाख टन का लगाया जा रहा है। और आपको ये भी बात बता दें कि जो व्यापारी हैं और किसान हैं उनको अभी भी ये उम्मीद है कि चने की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक बढ़त बनती हुई नज़र आ सकती है। दरअसल दिवाली आने वाली है और दिवाली जैसे जैसे पास आती रहेगी, नज़दीक आती रहेगी, तो चने की जो कीमतें हैं वो त्यौहारी मांग के चलते कुछ उठती हुई नज़र आ सकती हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब कोई त्यौहार आता है तो चने का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, चने का बेसन, काले चने का इस्तेमाल किया जाता है, नवरात्रि में कंजका बिठाई जाती है तब चने की खपत बढ़ जाती है, और नवरात्रि 9 दिन के होते हैं तब 9 के 9 दिन चने की खपत बढ़ती है, भंडारे भी चलते हैं उस दौरान, और दिवाली जब होगी तब भी चने की जो खपत है ज़्यादा देखने को मिलेगी, बेसन के रूप में हो, चाहे सब्जी के रूप में हो, चाहे ऐसी देखने को मिले। तो तब हो सकता है कि चने की जो कीमतें कुछ उठती हुई नज़र आएँ। आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजय के मुताबिक दिवाली के नज़दीक आने पर चने की जो कीमतें होंगी वो लगभग 5450 रुपये क्विंटल तक जाती हुई नज़र आ सकती हैं वायदा बाज़ार के अंदर।